हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कार्तिक मास यानी कि त्योहारों का महीना, तो हर दिन कोई ना कोई तो त्यौहार आ रहे हैं। कभी करवा चौथ, कभी होली, कभी दिवाली, कभी धनतेरस। तो इन त्योहारों के दिनों के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और हमारी इस टेस्टी सी मिठाई का नाम है चॉकलेट नारियल बर्फी। बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक मिक्सिंग जार, और उसमें लूँगी मैं ये एक कप नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी आधा कप चीनी, 6 से 7 में इसमें डालूँगी इलायची, और इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से फाइन पीस लेंगे, क्योंकि जो नारियल का दरदरापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल फाइन हमें इसका चाहिए टेक्स्चर। तो देखिए अच्छी तरह से पिस गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में और इसे रख देते हैं साइड में, और यही मिक्सिंग जार हम ले लेते हैं। और अब हम लेंगे ये बिस्किट के पैकेट। ये मैंने 2 पैकेट चॉकलेट बिस्किट के लिए हैं। मैंने ये जो हैप्पी हैप्पी वाले बिस्किट होते हैं ये वाले 2 पैकेट लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं, या जो आपके पास हो वो ले सकते हैं। और इसे हम करेंगे ग्राइंड, तो अच्छी तरह से तो ले लेते हैं मिक्सिंग जार और छोटा छोटा तोड़कर हम इसमें डाल देंगे, ताकि अच्छे से हमारा जो बिस्किट का पाउडर है वो तैयार हो जाए। इस तरह तोड़कर डालने से बहुत ही आसानी से हमारा बिस्किट का पाउडर जो है बनकर तैयार हो जाता है। बिस्किट के साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये 1/4 कप नारियल का बुरादा। चीनी इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी बहुत मीठे हैं। इसमें भी थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 इलायची। तो बिल्कुल फाइन हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बिस्किट का जो पाउडर है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से फाइन पिस गया है, और इसे भी हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच मिल्क पाउडर, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए हमारे काजू, पिस्ता, बादाम, ये मिक्स ड्राई फ्रूट हैं, उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था वो डाला है। और अब थोड़ा सा दूध डालकर हम इसका एक डो लगाएंगे। दूध बहुत ही सावधानी से हम इसमें डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें इसको एक डो की तरह फॉर्म में लेकर आना है। तो हल्का हल्का दूध इसमें डालकर इसका डो लगाएंगे, तो थोड़ा सा और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, और अच्छी तरह से उंगलियों से प्रेस करते हुए इसका एक डो लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा बंधने लगा है डो, तो बस इसको आप इकट्ठा कर लेंगे हाथों से इस तरह से मसलते हुए। ये डो ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड, बस जैसा रोटी के लिए लगाते हैं वैसा ही हमें इसका डो चाहिए। तो इसको हाथों से इस तरह से मसलते हुए हम रोल कर लेंगे इसको। ये देखिए हमारा डो जो है वो तैयार हो गया है, जैसा कि आपको देखने से लग रहा होगा कि कितना हार्ड हमारा डो लगा है। ये देखिए इतना सॉफ्ट हमने डो लगाना है। इसको रखते हैं साइड में, और अब ले लेते हैं नारियल वाला मिक्सर, और अब हम इसमें डालेंगे ये 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर। कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनने वाली है फ्रेंड्स हमारी, और इसको बनाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और इसे अच्छी तरह से कर देते हैं बिल्कुल मिक्स। हमारी मिठाई को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं डालूंगी इसमें ये ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल बारीक मैंने इनको क्रश कर लिया है वैसे डालूंगी, और थोड़े से दूध के साथ इसका भी हम डो लगाएंगे। काजू बादाम वगैरह का जब क्रंच दांत के नीचे आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका डो भी हमें उतना ही सॉफ्ट लगाना है जितना हमने चॉकलेट वाला डो लगाया है। दूध बहुत ही सावधानी से हमें इसमें डालना है। आप चाहें तो दूध की जगह मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच के बराबर मैं थोड़ा सा और डालूंगी, बस इतना सा, आधी चम्मच मैंने इसमें डाला है। और ये देखिए ये भी इकट्ठा होने लगा है। अब इसे भी हम बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे मसल कर। ये देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा डो, तो अच्छी तरह से मसल कर मैंने इसको चिकना कर लिया है। हमारी मिठाई को सेट करने के लिए मैंने ये इस तरह से एक बॉक्स लिया है, और उसमें मैं डालूंगी ये फॉइल पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा सकते हैं। तो चारों तरफ से इसको हम शेप दे देंगे, अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे ताकि हमारी मिठाई आसानी से रिमूव हो पाए। और अब हम ले लेते हैं हमारा नारियल वाला डो, जो हमने वाइट वाला डो लगा के तैयार किया था, और इस तरह से इसको फैलाते हुए हम एकसार कर लेंगे। अगर आपके पास बर्फी सेट करने वाली ट्रे है तो आप उसमें भी इसको लगा सकते हैं।
या कोई किनारे वाली थाली हो उसमें भी इसको आप सेट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए एक लेयर हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम लगाएंगे हम दूसरी वाली लेयर, चॉकलेट वाली जो लेयर है उसको भी इस तरह से प्रेस करते हुए हम सारे में फैलाते हुए प्रेस करते हुए इसको चारों तरफ से फैला लेंगे। स्पैचुला से प्रेस कर देंगे और फाइन शेप दे देंगे इसको, ऊपर से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे स्पैचुला से। तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बराबर कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए अच्छी तरह से। तो चलिए रख देते हैं फ्रिज में। तो 10 मिनट हो गए हैं और इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारी मिठाई सेट हो गई है। अब ले लेंगे हम एक ट्रे और इसको उल्टा करके हमारी मिठाई को निकाल लेंगे। ऊपर से हल्का हल्का सा टैप कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए। और जो ये हमने सिल्वर फॉइल पेपर लगाया है इसको हम हटा देंगे इसके ऊपर से, सावधानी से इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से साइडों से इस तरह से करते हुए सारे फॉइल पेपर को हम हटा लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी मिठाई जो है सेट हो गई है। और मार्केट जैसा लुक देने के लिए हम इस पर लगाएंगे ये चांदी का वर। आप चाहें तो इसे ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन इसके लगाने से बिल्कुल मार्केट जैसी लुक आएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अखबार की सहायता से ही थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे चारों तरफ से और हमारा फॉइल पेपर अच्छी तरह से लग जाएगा। और अब हम चाकू से हमारी शेप काटेंगे बर्फी की, जैसी आपको काटनी हो वैसी आप अपनी मनचाही शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखने से लग रही है ना कितनी यम्मी। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चॉकलेट नारियल बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। टेक्सचर देखिए हमारी मिठाई का कितना लाजवाब आया है, ये देखिए। कोई कहेगा कि ये मिठाई हमने बिना गैस जलाए बनाई है, तो ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट लेयर हमारी बनी है। ये देखिए किस तरह से लुक आई है हमारी मिठाई की। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी मिठाई का टेक्सचर कैसा आया है। बहुत ही लाजवाब हमारा टेक्सचर आया है। तो ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है और कितनी जैसी लुक आई है हमारी मिठाई की, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो त्योहारों में ये टेस्टी मिठाई अपने घर पर तैयार कीजिए और सभी को सरप्राइज कीजिए। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये नारियल चॉकलेट बर्फी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।